गाइस, इन कोविड टाइम्स में बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में जो भी मेडिसिन्स हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो, बिकॉज हमें मेडिसिन्स की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड उसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसका प्रॉपर एक सेग्रीगेटेड एरिया हो, एक कॉमन प्लेस में हो, सो दैट हमारे घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन्हें बहुत ईजिली एक्सेस कर सके जब भी ज़रूरत हो। सो आज मैं मेडिसिन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाली हूँ। ये ना हर घर का पार्ट होता है, चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मेडिसिन्स तो सबको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। अब मेडिसिन्स क्यों ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, इसके भी दो रीजंस हैं। पहले तो हमारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है, उन्हें इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई मेडिसिन्स लेनी हो तो वो आराम से ले सकते हैं। एंड सेकेंड इज इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी आपको जो मेडिसिन्स है ना वो बहुत ईजिली मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में मेडिसिन्स होती हैं बट हमें पता नहीं होता है कि वो कहाँ हैं। सो आई रियली बिलीव कि मेडिसिन ऑर्गेनाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हे फ्रेंड्स, दिस इज हर्षिता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर में मेडिसिन्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको कुछ मेडिसिन्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स भी दूंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज उससे मुझे रियली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मेडिसिन्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है उसके कुछ स्टेप्स देखते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरा मेडिसिन का कैबिनेट है। एंड अगर आप इसमें देखेंगे ना, सारी मेडिसिन्स बहुत ही उथल पुथल करके रखी हुई हैं, बहुत ही इधर उधर रखी हुई हैं। एंड मुझे अगर कुछ मेडिसिन्स चाहिए तो मैं बहुत ईजिली उन्हें निकाल भी नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। सो अब इस मेडिसिन्स को मैं आपके साथ ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, सो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, आपके पास ये जितनी भी मेडिसिन्स है ना, पहले तो उनको आप बाहर निकाल लीजिए, उनको डीक्लटर करिए। स्टेप नंबर टू, फिर आपका जो ये कैबिनेट है इसको प्रॉपर पूरा क्लीन करिए एंड ट्राई करिए कि अगर आपके पास कोई मैट हो तो आप मैट लगा दीजिए, बिकॉज उससे अगेन बहुत नीट एंड क्लीन लुक भी आता है। स्टेप नंबर थ्री, आपके पास जो भी मेडिसिन हैं उन्हें अपना अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लीजिए। लाइक मैंने क्या किया है, यहाँ पर इन सारी मेडिसिन्स को मैंने अलग अलग ग्रुप्स में डाल रखा है। मैंने एक अलग सेक्शन बनाया है जिसमें मेरी सारी फर्स्ट एड की मेडिसिन्स हैं। इस सेक्शन में मैंने सारी होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो भी मेडिसिन्स हैं वो रख रखी हैं। एंड मैंने जो भी सिरप्स होते हैं उनका एक अलग सेक्शन बनाया है। जो भी हमारे घर में मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हमने इस तरीके से सेपरेट करके रखे हुए हैं। लाइक आपके घर में कुछ ग्लूकोज का मीटर हो गया या ऑक्सीमीटर हो गया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टाइम्स ऑफ कोविड, या फिर आपके जो भी ऐसे हीटिंग पैड हो गए, कुछ भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, उसको आप एक अलग बास्केट में करके रखें। यहाँ पर मैंने जो भी मेडिसिन्स को फर्स्ट एड सेक्शन में रखा है या फिर जो भी मेडिसिन्स को मैंने इमरजेंसी मेडिसिन्स में रखा है, उन सबके लिस्ट मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, साथ ही साथ इन सबके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप उन्हें वहाँ से भी जा करके नोट कर सकते हैं। स्टेप नंबर फोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो भी मेडिसिन्स का कैबिनेट आपने डिसाइड किया है जहाँ पर आपको मेडिसिन्स रखनी है, उसको प्रॉपर इवेलुएट करिए एंड देन डिसाइड करिए कि आपको किस तरीके की बास्केट चाहिए। लाइक मेरा यहाँ पे जो कैबिनेट है वो सामने से ओपन होता है, तो मैंने इसके लिए कुछ ऐसी बास्केट्स ली हैं जिनमें प्रॉपर हैंडल्स हों, सो दैट मुझे उन्हें पुल करना बहुत ईजी रहे। आप जैसे देख सकते हैं मैंने इस तरीके के कुछ बास्केट्स ली हुई हैं। अब यहाँ पर मैं जो भी हमारे पास होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक की मेडिसिन थी उनको मैं छोटी सी बास्केट में रख रही हूँ, सिंस ये ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं थी तो इसमें बहुत ईजिली आ गई। एंड यहाँ पर मैंने एक अलग से बैग बनाया हुआ है जिसमें हमारे जो भी कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स होती हैं वो सारी मेडिसिन्स मैं इस बैग में रख रही हूँ, बिकॉज जब भी कुछ इमरजेंसी हो तो ये बैग को कैरी करना थोड़ा ईजी रहता है। एंड यहाँ पर मैंने एक बास्केट बनाई है जहाँ पर मैं जो भी फर्स्ट एड की चीज़ें होती हैं उस बास्केट में रख रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट एड के काफ़ी सारे सामान हो जाते हैं, लाइक कॉटन्स हो गए या फिर ये सेवलॉन हो गया या कुछ ओनपेंट हो गए। ये एक क्रैम्प रिलीफ है जो बहुत ही अच्छा है, इन केस यू आर ट्रैवलिंग यू कैन यूज़ दिस, इट्स वेरी इफेक्टिव। सो ऐसी मैं कोई भी चीज़ें इस बॉक्स में रख रही हूँ इससे रिलेटेड, लाइक अगर मुझे पुदीन हरा वगैरह भी रखना है तो वो भी मैं इसी बॉक्स में रख रही हूँ। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अ फर्स्ट एड बॉक्स।
एंड यहाँ पर इन दो बास्केट्स में मैं बाकी के कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह हो गए लाइक मॉस्किटो रेपेलेंट्स हो गए या फिर कुछ क्रैक क्रीम हो गए, ये चीज़ें रख रही हूँ। एंड इस बास्केट में मैं जो भी डेली यूज़ की हूँ सप्लीमेंट्स होते हैं या कुछ विटामिन्स होती हैं उस टाइप की चीज़ें रख रही हूँ। एंड इन दोनों बास्केट्स को मैं अपने बेड के साइड ड्रॉर्स में रखूँगी। टिप नंबर 5, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिसिन को जिस तरीके से सेग्रीगेट कर रहे हैं उन सेक्शंस को ना प्रॉपर लेबलिंग कर लें सो दैट आपको जब भी फाइंड करना हो तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी रहे। सो ये थे वो सारे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए मेडिसिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब इन सारी बास्केट्स को मैं जल्दी जल्दी कैबिनेट में रखती हूँ एंड सी अगर आप इसका बिफोर एंड आफ्टर लुक देखेंगे तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। इसलिए प्लीज़ अपने घर में जो भी मेडिसिन का आपका सेक्शन होगा उसको प्लीज़ ऑर्गेनाइज करिए बिकॉज आपके लिए काफ़ी एक्सेसिबल रहेंगी वो। रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इसमें जो भी स्टेप्स बताए हैं अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो अपने घर में एक प्रॉपर मेडिकल सेक्शन बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ अमेजिंग टिप्स भी देने वाली हूँ। सो टिप नंबर 1, आपके घर में जो भी ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं ट्राई करिए कि उन सारे चीज़ों का ना प्रॉपर लिस्ट रख लें और वो लिस्ट अपने पास अपने डाइनिंग टेबल में या कहीं भी रख सकते हैं सो दैट आपको जब भी मेडिकल शॉप में जाना हो आप इजिली उन मेडिसिन को ले पाएँ। टिप नंबर 2, ऑलवेज कीप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैंडी सो दैट आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकें जब भी आपको ज़रूरत हो लाइक आपके कुछ एम्बुलेंसेज हो गए या फिर हॉस्पिटल्स हो गए या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो गए इनके जो नंबर्स होते हैं ना प्रॉपर एक पेपर में लिख करके रखे हैं। नंबर 3, ऑलवेज कीप लिक्विड सिरप्स इन अ सेपरेट कंटेनर बिकॉज क्या होता है कि जो ये लिक्विड सिरप होते हैं इनमें थोड़ी टेंडेंसी होती है कि ये कहीं ना कहीं से ड्रॉप हो सकते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको एक सेपरेट कंटेनर में रखें सो दैट इनकी वजह से जो बाकी मेडिसिन है वो गंदी ना हो। टिप नंबर 4, कट आउट द पार्ट्स ऑफ द रैपर विच आर यूज्ड। आपके जो भी ये मेडिसिन के रैपर होते हैं अगर आपने मेडिसिन क्वालिटी खा लिया है तो ट्राई करिए कि उनके रैपर्स को कट कर दें सो दैट इससे थोड़ा नीट एंड क्लीन लुक मिले आपको। टिप नंबर 5, ट्राई करिए कि आपके पास जो सेम सेट की अगर मेडिसिन हैं तो आप उसको एक साथ क्लब करके रखिए एंड अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसकी एक्सपायरी डेट नियरेस्ट है तो उसको टॉप पर रखिए। एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज एक ना प्रॉपर मेडिकल फाइल बनाइए उसमें आपके जो भी डॉक्टर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर आपके जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनको एक साथ रखिए एंड इस फाइल को भी आप अपने मेडिकल सेक्शन में ही रखिए बिकॉज अगर आपको कभी डॉक्टर के पास दूसरी विजिट पे जाना पड़ता है तो बहुत ईजी होगा आपको वहाँ से इस तरीके के प्रिस्क्रिप्शंस को एक्सेस करना। सो फ्रेंड्स आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे मैंने जो स्टेप्स बताए हैं साथ ही साथ जो मैंने टिप्स बताई हैं वो कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल लगी होंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।